हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। अभी शाम का टाइम है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, और जो खुला एरिया है वहाँ पे तो और भी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। और ठंड में मैं क्या करती हूँ, नीचे मैट बिछा देती हूँ, क्योंकि हुनर सॉक्स बिल्कुल नहीं पहनती, हर दो मिनट में सॉक्स निकाल देती है और फिर नंगे पैर घूमती रहती है। चप्पल भी बहुत रेयर पहनती है, कहने से पहनती है बार बार। तो मैट है मेरे पास दो तीन, तो वही ढूंढ रही हूँ मैं कि कहाँ रखे हैं। तो अभी उन्हीं को निकालने की तैयारी हो रही है। मेरा हाथ प्रॉपर नहीं जा पाता वहाँ पे, तो अरुण से मैं निकलवाऊँगी अभी। तो पहले मैंने चेक किए कि कहाँ पे हैं, तो अभी अरुण वही मैट निकाल रहे थे, सामान के नीचे दबे थे। तो मैं कभी ये ना हो कि सारा सामान बच्चों के सिर पे ही आके गिर जाए। ये वीडियो नेक्स्ट डे आफ्टरनून की है, और अभी अभी जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ, और स्कूल से ही सीधा मैं किचन में आई और देखा कि पूरी किचन फैली हुई थी। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, कैसे आप सब। मैं रीना नांदल। आज बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, नाक मेरी बिल्कुल लाल हो गई है, कान भी लाल है, और इतनी ज़्यादा ठंड थी। और कई दिन बाद आज स्कूल से बुलावा आ गया, मतलब स्कूल जाना पड़ा। और अभी अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ, सीधा किचन में आई तो देखा पूरी किचन फैली हुई है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद बात करूँगी। ठंड बहुत बढ़ गई है, और आज सोच रही हूँ कि हीटर निकाल लें, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और हुनर तो ना बहुत कम ब्लैंकेट लेती है, मतलब पूरी रात बगैर ब्लैंकेट के ही सोती है, पैरों के नीचे दबा के रखेगी। तो कारपेट मैंने दिखाए थे आपको कल, वो एज इट इज़ लगे रहते हैं, परमानेंट है, मतलब जब तक सर्दियाँ रहेंगी ना ये कारपेट मेरे बिछे रहते हैं। बच्चे छोटे थे ना तब से मैंने तीन कारपेट ले रखे हैं, और 6 महीने के होते थे ना उसके बाद से ही मैं इनको ज़मीन में रखना शुरू कर देती थी। मतलब कभी भी मेरे बच्चे ना तो गिरे बेड से, ना ठंड टच वुड लगती है इनको, क्योंकि और इसी वजह से ना ये एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कभी मैंने इनको ना बांध के रखा ही नहीं, ना तो मैं बेड पर रखती, ना मैं सोफे पर रखती, झूले में भी मैंने बहुत कम रखे हैं, मतलब पालने में, और नीचे रखती थी। इस वजह से एक्टिव हैं ये, कि जब क्रॉलिंग करना इन्होंने सीखा ना तो ये पूरे घर में घूमते रहते थे। जब कमर छोटा था ना तो मैंने पूरे घर में कारपेट बिछाए हुए थे, इवन मैंने किचन में भी कारपेट लगाया था। उस टाइम घर और छोटा था मेरा, तो एक रूम था, ड्राइंग रूम था और किचन, मैंने पूरे एक रूम को बंद रखती थी, और ड्राइंग रूम, हॉल और किचन पूरी जगह कारपेट बिछा रखा था, ताकि ये अच्छे से घूम सके। और तब से ये इतना एक्टिव है, और 10 महीने के नहीं इसने ना चलना शुरू कर दिया था। तो जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो ठंड की वजह से बच्चों को ना छुपा के ना रखे, दबका के ना रखे, मतलब रजाई में दबाई रखते हैं कुछ बच्चों को कि ठंड है ठंड है। पहनाओ बच्चों को, पूरे कपड़े पहनाओ, सॉक्स वगैरह पहना के रखो, लेकिन उनको फ्री छोड़ दो, मतलब ज़मीन में कारपेट, चादर वादर, दरी कुछ भी ऐसा मोटा बिछा दो कि बच्चे को ठंड ना लगे, लेकिन बच्चे को फ्री घूमने दो। आप उसको बांध लोगे, अब ठंड तो कई महीने रहेगी, ये मार्च के बाद नॉर्मल आएगा मौसम, तो तब तक बच्चे को अगर आप बेड पे ही रखोगे, उसको छुपा के ही रखोगे, तो बच्चा कैसे एक्टिव हो पाएगा। मतलब मैंने देखा है कि कई बच्चे डेढ़ डेढ़ दो दो साल की एज में जाके ढंग से चलना सीखते हैं, और मेरे दोनों बच्चों ने फर्स्ट बर्थडे से पहले अच्छे से चलना सीख लिया था। मतलब कमर तो पूरा भागता था फर्स्ट बर्थडे पे, और हुनर ने भी काफ़ी अच्छा चलना सीख लिया था। तो जिनके बच्चे इस सीज़न में छोटे हैं, 6-7 महीने के हैं, तो उनके लिए आप कोशिश करें कि ज़मीन में प्रॉपर उनका रहने का, खेलने का
अरेंजमेंट करें, ना कि उनको ठंड से बचाने के चक्कर में बिल्कुल ही ऐसा बना दे कि वो लेज़ी हो जाएं, क्योंकि जैसी आदत बचपन में डालोगे बच्चा वैसा ही रहेगा। और अभी बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी काम निपटाना है। हाँ, अभी अमरूद लेके आ रही हूँ, फिर बाद में देखना। और ऑरेंज भी। ऑरेंज तो मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मैं खाऊंगा। मेरा ना आधे से ज्यादा टाइम किचन में निकल जाता है। अभी बच्चे सो के उठ चुके हैं, 5 बजे का टाइम है, अरुण की चाय का टाइम हो गया है और बच्चों को कुछ खाने को चाहिए। तो अब बस वही आजकल जो रूटीन चल रहा है फ्रूट चाट वाला, तो आजकल जो सीजनेबल फ्रूट है, ऑरेंज है, अमरूद है, यही सब आया हुआ है मार्केट में। और सीजनेबल फ्रूट चाहे कुछ भी हो हमें ज़रूर खाने चाहिए, मतलब हेल्थ के लिए हमारे ना बहुत अच्छे होते हैं। और आज का अमरूद तो बड़ा ही मतलब मजबूत और टिकाऊ है, बिल्कुल टाइट वाला अमरूद है। जब हम ना बगैर काटे एप्पल अमरूद ऐसे काट के खाते ना तो हमारे दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम हर चीज़ को काट कर खाते हैं ताकि देखने वाले को हम बड़े सलीकेदार लगें। लेकिन स्टाइल तो पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा है जिसमें हम सिर्फ धो के सीधा दांतों से ही काट कर चीज़ों को खाते हैं। उससे हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत हमारे मजबूत रहते हैं। गरम पानी अभी लाती हूँ। हुनर अमरूद ले लो। अमरूद लो, खा लो, उठाओ इसको, खा लो पहले पूरा। क्यों अब नहीं खाना? ले जाओ, लो अब भी खा लो। लो उसको छोड़ दो, वो मम्मा गए। मम्मा का सम अभी टाइम है शाम के 6 बजे का और कमर का हो गया है स्टडी टाइम, है ना कमर? हमारा पढ़ाई करके दिखाएगा आप सबको, ठीक है? चलो स्टार्ट करो फिर। सम एनिमल्स विच लीव अराउंड अराउंड अस दे दीज आर कॉल्ड वेरी गुड Doom, domestic animals given and below are the pets pictures of some domestic कमर आजकल ना रीडिंग स्टार्ट कर रहा है ना भाई? कमर को रीडिंग करना आ गया है तो इसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। अभी नया लेसन मैम ने दिया था तो आज उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो बीच बीच में जो न्यू वर्ड्स रिवीजन की अभी ज़रूरत है तो
जब भी टाइम मिलता है थोड़ी बहुत देर इसको लेके बैठ जाती हूँ, है ना भाई कंवर सिंह? हाँ। अभी मेरे को गैस भूख रखी है, मैं अभी ओरियो खा रहा हूँ, देखते आपको भी खाना है, खाना है आपको?